फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। यस फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैडम आप ये बताइए कि बाल जल्दी जल्दी कैसे बड़े हों, बालों की ग्रोथ कैसे जल्दी से हो। तो फास्ट हेयर ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो इस हेयर ऑयल को आप जरूर ट्राई करिए जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। और आप अपने बालों पे उसे अप्लाई करिए, आपके बाल बहुत तेजी से लंबे भी होंगे, घने होंगे, मुलायम होंगे, चमकदार होंगे। सो ये तो चलिए वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसे बनाना है और अप्लाई करना है अपने बालों पे। सो फ्रेंड्स, हमें लेना है लूक वार्म कोकोनट ऑयल। आप मैंने यहाँ पे पैरासूट की ऑयल ली है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और इसमें हम मैंने 2 टेबलस्पून ली है, जो स्मॉल टेबलस्पून आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कैस्टर ऑयल, तो कैस्टर ऑयल मैंने 1 टेबलस्पून ली है। और हमें लेना है यहाँ पे एलोवेरा जेल, तो आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, पतंजलि का, वाव का, जो भी आपको ब्रांड मिल जाए। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये हेयर ऑयल अपने आप बालों पे लगाइए। आपके बाल जो है ना वो लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। और आपको इसे रूट पे लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है, अच्छी तरह से मसाज करके इसे ओवरनाइट रख छोड़ना है आपके अपने बालों पे। और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है गाइज। और देखिए कुछ इस तरह का ये पेस्ट बन के रेडी हो जाता है ना, तो आप इसे अपने बालों पे लगाइए। जहाँ पे बाल ग्रोथ नहीं हो रही है हेयर की, वहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ लाइव डेमो करके। बस अपने रूट पे और इसे स्कैल्प पे आपको लगाना होता है। बहुत ही अच्छा काम करता है कैस्टर ऑयल जब एलोवेरा के साथ में मिक्स होता है एंड कोकोनट ऑयल के साथ। तो आपके जो टूटते हैं बाल, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, बाल टूटते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बेनिफिट मिलते हैं, आपके स्कैल्प को नॉरिश करता है। अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इसे शेयर करिए इस यूज़फुल वीडियो को, अगर आप अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं।